मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को आप स्किप नहीं करना। मैं आप लोगों के लिए आज जो ये गाड़ी लेकर आया हूँ, ये ब्रांडेड गाड़ी है, बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन की बम्पर टू बम्पर गाड़ी है। टोयोटा करोला GLI 2013 का मॉडल है। दोस्तों, आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे इस गाड़ी की डिटेल मिस हो जाएगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपसे इस गाड़ी के बारे में कोई डिटेल मिस ना हो जो हम वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, कितनी मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें एक अच्छा सा कमेंट करें। और हमारे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सांगढ़ मक्का मोटर्स चैनल। मैं हूं हाफिज मोहम्मद लुकमान और आज की जो मेरे पास बैक स्क्रीन में आप गाड़ी देख सकते हैं, ये है टोयोटा करोला GLI 2013 का मॉडल और पूरी गाड़ी जो है बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। दोस्तों, आपको पता होगा कि सांगढ़ मक्का मोटर्स की जो डिटेल होती है A to Z, हमारी डिटेल आपको क्लियर मिलेगी। मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आता हूं तो आपको अगर मैं कोई डिटेल देता हूं तो मैं डिटेल में आपसे कोई चीज नहीं छुपाता हूं। आपको पता है कि आपको अगर गाड़ी के ऊपर एक भी स्क्रैच होता है या निशान होता है, अदरवाइज अगर गाड़ी की कोई चीज आफ्टर मार्केट चेंज की होती है तो वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे कोई चीज नहीं छुपाता, आपसे यानी अपने कस्टमर से, कि मेरा कस्टमर अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आए मेरे पास तो मैं उससे कोई चीज नहीं छुपाता। आपसे धोखा नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, आपसे कोई चीज नहीं छुपाई जाएगी। हमारी 100% कोशिश है कि हम अपने कस्टमर से कोई चीज न छुपाएं, हर चीज उसको खुली करके, खुली किताब करके दिखाएं। तो चलिए हम इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, आपको मुकम्मल रिव्यू दिखाते हैं। पूरी गाड़ी बम्पर टू बम्पर जीनियन है और बिल्कुल जीरो जैसे है चलने में। मैंने खुद इस गाड़ी को चलाया है, ड्राइव किया है, माशाल्लाह गाड़ी चलने में बिल्कुल जीरो जैसी है। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं फ्रंट से इस गाड़ी की बॉडी की बात करूं तो फ्रंट से माशाल्लाह गाड़ी पूरी क्लियर है। गाड़ी की फ्रंट से कोई जो है यहाँ पे आपको स्क्रैच निशान कुछ भी नजर नहीं आएगा। और इसकी जो बम्पर है, बम्पर भी कलर नहीं है दोस्तों, बम्पर भी अपने हैं, बम्पर भी ओरिजिनल पेंट के अंदर है। तो अब आगे हम गाड़ी की क्या है टाइप की आप देख सकते हैं। इस सेट से हम अगर देख सकते हैं, इस सेट से ये फेंडर, अब फर्स्ट नंबर पे ये फेंडर आप देख सकते हैं कि ये फेंडर बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताऊंगा तो आप वीडियो को स्किप ना करना ताकि आपसे कोई डिटेल मिस ना हो। तो अब आगे आते हैं इस डोर की तरफ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक छोटी सी पिंसल लकीर है, मामूली सी, इतनी सी मैं कहता हूं कि ना होने की जैसी इतनी सी आपको नजर नहीं आएगी। अब यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं ऐसे करके मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे करके तब जाके मुझे नजर आएगी, फिर ऐसी नजर नहीं आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ना होने की जैसे वो है, छुपा रहा नहीं हूं आपसे मैं। तो यहां से आप टायर देख सकते हैं, टायर की कंडीशन, टायर बिल्कुल जीरो कंडीशन है टायर की, यानी टायर बिल्कुल नए हैं, यूरो के टायर है। और यहां से नीचे से भी आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, नीचे से आपको अंदर बाहर दोनों जगह से आपको हम गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं। यहां पे दोस्तों ये निशान देख सकते हैं, ये निशान सा है, ना होने के जैसे ये निशान है ये वाला। तो ये देख सकते हैं, ये इस फेंडर पे है, यहाँ पे कोई छोटा सा ड्राई डेंट निकला हुआ है, ड्राई डेंट, यहाँ पे ये ड्राई डेंट निकला हुआ है, ये आपको महसूस नहीं होगा, आप गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब आते हैं बैक डोर पे, बैक डोर में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये एक निशान सा है, यहाँ पे ये बैक फेंडर पे, तो ये निशान आप देख सकते हैं, ना होने के जैसे है, यानी गाड़ी पे ऐसा कोई स्क्रैच तो है ही नहीं। मैं कहता हूं गाड़ी पे कोई ऐसा स्क्रैच ही नहीं है, इस डोर, ये डोर भी बिल्कुल क्लियर है,
बिल्कुल। और यहां से अब हम आते हैं गाड़ी के अंदर रूम की तरफ, के अंदर रूम। तो यहां से आप ये डोर वगैरह देख सकते हैं गाड़ी के, और यहां से आप गाड़ी का रूम देख सकते हैं कि गाड़ी की रूम की कंडीशन क्या है। आप ये रूम देख सकते हैं, रूम की कंडीशन काफी अच्छी है माशाल्लाह, रूम गाड़ी का बहुत साफ है। और अब मैं आपको इसका जो है मीटर दिखाता हूं, गाड़ी मीटर में कितना चली हुई है ये आप देख सकते हैं। गाड़ी मीटर में कितना चली हुई है मैं आपको मीटर दिखाता हूं गाड़ी का, तो ये आप मीटर देख सकते हैं, यानी ये गाड़ी का कि गाड़ी कितना चली हुई है। लेकिन गाड़ी इससे ज्यादा चली हुई है, यहाँ पे ये मीटर में 57,000 है, इससे ज्यादा चली हुई है। लेकिन गाड़ी की जो कंडीशन है दोस्तों वो जीरो है, कंडीशन जीरो है गाड़ी की, जीरो। तो यहां से आपने रूम देख लिया, और ये यहां से ये डोर वगैरह आप देख सकते हैं, ये जगह गाड़ी की, और आप ये छत भी देख सकते हैं यहाँ से, छत भी माशाल्लाह गाड़ी की जो छत है वो भी काफी अच्छी है। गाड़ी की बैक साइड से, बैक साइड से अगर हम बात करें तो बैक साइड से भी गाड़ी क्लियर है, कोई स्क्रैच निशान नहीं है, अगर होगा तो मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी की लाइट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइट आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये क्रैक है, थोड़ी सी यहाँ पे ये थोड़ी सी मैंने आपको दिखा दी, ये थोड़ी सी क्रैक है, बाकी बिल्कुल कहीं पे नहीं है, बिल्कुल सही है लाइट पूरी। ये टोयोटा कोरोला GLI 2013 का मॉडल आप यहाँ से भी देख सकते हैं बैक साइड से। अब मैं आपको इसका डिग्गी रूम भी दिखाता हूँ, आप डिग्गी रूम भी देख सकते हैं, यहाँ से डिग्गी की कंडीशन आप देख सकते हैं काफी साफ है। और यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसके अंदर का, डिग्गी का अंदर का रूम माशाल्लाह काफी साफ कंडीशन के अंदर है। अब जो स्पेयर टायर की जगह है वो भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल आउट क्लास है, यानी ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी कंडीशन के अंदर है। और अब आते हैं इस साइड से, गाड़ी की बॉडी की बात करें तो इस साइड से ये बॉडी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, कोई निशान नहीं है। यहाँ पे ये एक छोटा सा निशान है, ये आपको दिखाते चलें, ये आप इस डोर पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ये एक छोटा सा, ये मामूली ना होने के जैसे। तो अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक मामूली सा है, ना होने के जैसे दोस्तों। तो ये माशाल्लाह गाड़ी का पूरा रिव्यू आपने देख लिया इस साइड से, गाड़ी ये एक दो निशान मामूली सी है, ना होने के जैसे। अब आपको इंजन रूम में दिखाता हूँ गाड़ी का, यहाँ से गाड़ी का बॉनट देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है माशाल्लाह बिल्कुल, यानी जो कंडीशन होती है आउट क्लास कंडीशन के अंदर है। यहाँ से कुप्पे शरीफ आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर बॉक्स देख सकते हैं, फ्रंट की पट्टी वगैरह ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। और ये पानी की बोतल आप देख सकते हैं माशाल्लाह, पानी का जो रंग है यहाँ से आप देख सकते हैं पानी का रंग, के आपको पानी का रंग नजर आ रहा होगा यहाँ से। और ये कुप्पे शरीफ आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम गाड़ी के कंप्रेसर की बात करें तो गाड़ी का जो कंप्रेसर है ये आप देख सकते हैं, इसका कंप्रेसर भी अब तक अपना कंप्रेसर लगा हुआ है, गाड़ी का कंप्रेसर चेंज नहीं है, 2013 मॉडल, अब तक कंप्रेसर भी चेंज नहीं हुआ गाड़ी का। तो माशाल्लाह दोस्तों ये थी टोयोटा कोरोला GLI 2013 का मॉडल, और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है 32 में ये आपको मिलेगी 32 लाख में। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0336258713। तो ये इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ सांगड़ मक्का मोटर्स।